अगर आपके पास इंस्टेंट ई पैन कार्ड है और आप उसको 50 रुपये पे करके रीप्रिंट ऑर्डर करना चाहता हो, हार्ड कॉपी आप अपने घर के एड्रेस पर मंगाना चाहता हो इस प्रकार से, तो आपका पैन कार्ड रीप्रिंट वाला किस प्रकार से आएगा और उसमें क्या प्रॉब्लम रहेगी और उस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, तो आज का ये वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है। जो लोग रीप्रिंट करना चाहते हैं या फिर कर दिए हैं, तो ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है उन लोगों के लिए, इसलिए वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दें और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो लोग आधार कार्ड थ्रो ई फिलिंग साइट से इंस्टेंट पैन कार्ड बनवा लिया है फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि वहाँ पर आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलती है, ओनली डिजिटल एक PDF फाइल मिल जाती है आपको 10 मिनट के अंदर अंदर, तो आप उसको एज ए प्रिंट करा के यूज में ले सकते हो, लेकिन आपके वहाँ पर सिग्नेचर और फादर्स नेम नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत से लोग इसको 50 रुपये पेमेंट करके NSDL को रीप्रिंट करते हैं, ताकि इस प्रकार की जो हार्ड कॉपी होती है हमारे घर के एड्रेस पर आ जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपने ऑर्डर कर दिया है या फिर करने वाले हो, तो आपको जो हार्ड कॉपी मिलेगी आपके घर के एड्रेस पर कुछ इस प्रकार से मिलेगी, आप यहाँ पर देख सकते हो, अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लेना। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो 50 रुपये पेमेंट करोगे तो आपका जो पैन कार्ड आएगा हार्ड कॉपी इस प्रकार से आएगी, और इसमें आपके नेम तो होंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी होगी, लेकिन यहाँ पे वाइट कलर की पट्टी होगी सिग्नेचर करने के लिए, आपको इसमें फिजिकली सिग्नेचर करना पड़ेगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो पैन कार्ड है रिप्रिंट वाला, इसमें आपके फादर्स नेम नहीं मिलेंगे। तो फादर्स नेम क्यों नहीं मिलेंगे और क्यों नहीं आया, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपने जो इंस्टेंट पैन कार्ड बनवाया था उसमें आपके फादर्स नेम ऊपर से ही नहीं लिए जाते हैं, और आप उसको एज ए यहाँ पर विदाउट कोई करेक्शन ओनली रीप्रिंट कराया है 50 रुपये पेमेंट करके। तो जैसा आपका इंस्टेंट पैन कार्ड पहले था, ओनली हार्ड कॉपी आपकी सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएगी विदाउट एनी चेंजेस। तो देख लिया आपने, पहले भी नहीं था और आपकी जो हार्ड कॉपी आएगी इसमें भी नहीं रहेंगे। तो अब आपको समझ में आएगा कि यार मेरा तो इसमें फादर्स नेम नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ, तो आपको यहाँ पर दोबारा से रिकरेक्शन करके NSDL की साइट में जाइए और आपको करेक्शन करना पड़ेगा, पूरी डिटेल वहाँ पर फिल करनी पड़ेगी, और इसका जो पेमेंट है आपको यहाँ पर 107 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पर पेमेंट करोगे और रिकरेक्शन करोगे तो आपको यहाँ पर 101% डिस्प्रेंसी लेटर इशू हो जाएगा फादर्स नेम में, क्योंकि आपके जो इनकम टैक्स डेटाबेस में जानकारी है, डिटेल है, उसमें आपका फादर्स नेम नहीं है, और इस वजह से अगर आप यहाँ पर करेक्शन करते हो तो आपको इसमें फादर्स नेम आते हैं, तो जिसकी वजह से पहले नहीं था और आपने यहाँ पर डाल दिया है, फिल कर दिया है, तो जिसकी वजह से ये दोनों डिटेल मिसमैच हो जाएगी और इसकी वजह से आपका जो फादर्स नेम में डिस्पेंसी लेटर इशू हो जाएगा। तो ये होने दो, आने दो, डिस्पेंसी लेटर अच्छी बात है। तो इसके बाद से आप इन दोनों को फिर क्या करोगे कि मैंने बता दिया है आपको, वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि डिस्पेंसी लेटर अगर आता है तो इसको कैसे ईमेल में सॉल्व कर सकते हो, कौन कौन से इसके साथ में डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे और कौन से डिस्पेंसी लेटर जो रिटर्न स्लिप होती है उसको किस प्रकार से फिल करना पड़ता है। तो जिसकी वजह से जो आपका न्यू वाला पैन कार्ड आएगा 107 रुपये पेमेंट करने के बाद, तो देख लीजिए आपको उसमें नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर वाइट कलर की पट्टी होती है सिग्नेचर करने के लिए। तो इस प्रकार से आप इस सारे प्रॉब्लम को वन बाई वन सॉल्व कर सकते हो। और आपका अभी भी किसी प्रकार का कोई मन में कोई क्वेश्चन हो, आपसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी प्रकार कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन जरूर लिख के मुझे बता देना, या फिर मेरे इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर लेना, या फिर मुझे मैसेज कर देना कोई समझ में ना आए तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।